अखिलेश ने ईवीएम पर जताई नाराजगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पूरे भारत में ईवीएम में या तो गड़बड़ी है या फिर वे भाजपा के पक्ष में वोट डाल रही है। अखिलेश ने चुनाव आयोग को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि पूरे भारत में ईवीएम में या तो खराबी है या फिर वे भाजपा के पक्ष में वोट डाल रही है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी कहते हैं निर्वाचन अधिकारी ईवीएम परिचालन की दृष्टि से प्रशिक्षित नहीं है। 350 से ज्यादा ईवीएम बदली जा रही हैं। सपा प्रमुख ने कहा है कि यह चुनाव प्रक्रिया के लिहाज से आपराधिक लापरवाही है। वह चुनावी प्रक्रिया जिस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इटावा के सैफई मतदान के बाद अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग को रामपुर में ईवीएम की खराबी पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि प्रदेश के एक मंत्री बदायूं में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि पर्याप्त परीक्षण नहीं होने की वजह से ईवीएम का प्रचालन नहीं हो पा रहा है। क्या यही है डिजिटल इंडिया जिसका वादा सरकार कर रही है? इसी बीच सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने राजीव चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल से उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू से लखनऊ में मुलाकात कर रामपुर में ईवीएम की खराबी पर तथा बदायूं में उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की कथित भूमिका की शिकायत की है। राकांपा प्रमुख सरल पवार ने भी बंबई में कहा है कि लोगों की भावना है कि मोदी नेतृत्व सरकार बदल दिया जाए, लेकिन चिंता का एकमात्र विषय ईवीएम से छेड़छाड़ है। वह कई दलों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस, तेदेपा, तृणमूल कांग्रेस, आप, माप्का, भापका और द्रमुक नेतागण भी शामिल थे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ईवीएम में प्रोग्रामिंग की गड़बड़ियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल छेड़छाड़ के बल पर ही वोट प्राप्त कर सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।